जैन साथियों नमस्कार, मैं नितीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से आरआरबी टेक्नीशियन जेई पैरामेडिकल एंड सीएमए कैंडिडेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के मैं सामने आ रहा हूं। और अपडेट यह है कि मैंने अपने सांसद जमुई सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी से कल से ही बात करने का प्रयास किया था। हालाँकि उनसे मेरी पहले से ही बात करने का प्रयास जारी था, परसों से मैं ट्राई कर रहा था कि एक बार बात हो, तो फाइनली उनसे मेरी आज सुबह सुबह बात हुई है। और बात होने के पश्चात उन्होंने ये कहा है कि हर बार वो सीआरबी से बात करते थे और रेल मंत्री से भी एक दो बार बात कर चुके हैं। उन्होंने फिर से मुझे वही बातें कही कि मैंने रेल मंत्री को फिर से लेटर लिखा था कुछ दिनों पहले ही, तकरीबन 20-25 दिन या एक महीने पहले, और उसमें उन्होंने पूछा था कि हमने जो पिछला लेटर आपको लिखा था उस लेटर पर किस लेवल तक काम हो चुका है, उसकी उसका प्रतिक्रिया दिया जाए, उसकी उसका जवाब देने की कृपा की जाए। ऐसा करके एक लेटर रेल मंत्री को उन्होंने लिखा और हर बार उन्होंने सीआरबी से बात किया था कि और सीआरबी का जवाब था कि हम लोग सभी को कंसीडर कर रहे हैं, सभी वेटिंग कैंडिडेट्स को जल्दी हम लोग इम्पैनल्ड कर देंगे। तो इस बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर सीआरबी तो अपर लेवल के अधिकारी हो गए, काम जो हमारा कंसर्न अधिकारी करने वाला है वह आरआरबी ईडी है। तो आरआरसीबी के जो ईडी हैं राजीव गांधी या विद्याधर शर्मा सर से आप एक बार ज़रूर बात करने का प्रयास करिए और उनसे बात करके आप ज़रूर हमें बताइए कि क्या कुछ चल रहा है और कब तक हमारा हो जाएगा, क्योंकि सीटें यहाँ से जा रही है, कितनी जा रही है, नहीं जा रही है पता नहीं चल रहा है। कुछ ही जोन का पता चल पा रहा है या कहीं से जीरो डिमांड देखने को मिल रहा है, कहीं से कुछ स्थिति है। तो खास करके मैंने बात किया था, तो मैं खास करके अपने बोर्ड रांची के लिए बात किया था। आप लोगों को भी अपने अपने लीडर से अपने अपने बोर्ड को लेकर के अप्रोच करना चाहिए और अपने संसद से, अपने नियरेस्ट संसद से, नियरेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स से आपको बात करके ईडी से बात जरूर करवाना चाहिए आपके कंसर्न बोर्ड से रिलेटेड कि क्या कुछ चल रहा है, कब तक क्या होने की संभावना है। तो सारी चीज़ों पर मैंने उनसे बात करने को उनको कहा था कि आप ईडी से एक बार ज़रूर स्पष्ट सारे बिंदुओं पर बात करिए। तो हमारा पहले से दिया हुआ मेमोरेंडम उनके पास है ही है, उसमें क्या कुछ हमने मांगे की है, चाहे वो सीटों को ठीक ढंग से समेट करके भेजने की बात की गई हो जिससे कि सीटें कम से कम एनईसी जाए, या फिर अन्य चीज़ें डाइवर्जन वगैरह को लेकर के बहुत सारी बातें उठ रही है, कोई कह रहा होगा कभी कह रहा है कोई नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी हमने बात करने को उनसे उनको कहा था। तो जैसा कि आज उनसे मेरी बात हुई फाइनली, तो उन्होंने कहा कि बात हुई है मेरी और ईडी से बात हुई है और ईडी के द्वारा यह कहा गया है कि हम लोग उसी में काम कर रहे हैं, उसी मैटर पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसीलिए क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारे लोगों को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे लोगों को जल्द से जल्द में हम लोग इम्पैनल्ड कर दें, ताकि नई वैकेंसी का भी प्रेशर है। और एक लेटर का मैंने वीडियो डाला भी था, उस लेटर से भी आपको खासा अनुमान चला होगा कि नई वैकेंसी का भी बहुत प्रेशर है, खास करके शक्ति कैटेगरी के पोस्ट्स पर। तो और रेलवे एक्सीडेंट बालासोर में हुई है उसके बाद ये नई वैकेंसी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और सीटों को भरने का भी जैसे भी हो जैसे तैसे जल्द से जल्द सीटों को भरने का आदेश भी दिया गया है जोनल रेलवेज को। तो ऐसे में ईडी ने कहा है कि नई वैकेंसी का भी प्रेशर है, हमें नई वैकेंसी भी देनी है, उससे पहले हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हार्डली 2 महीने का समय, मैंने उनसे कहा था कि आप समय उनसे पूछिए कि कितने दिन और, क्योंकि 1 महीने अगले महीने जल्द ही करके हम लोग काफ़ी वर्षों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कब तक और। तो उन्होंने कहा था कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर मिड तक, यानी कि 2 से 2.5 महीने में सारे लोगों को इम्पैनल कर देंगे, ये हमारा प्रयास है। कर देंगे ये गारंटी नहीं है, कर देंगे ये हमारा प्रयास है। ये आरआरसीबी ईडी का आपको दिया आरआरसीबीडीडी के द्वारा चिराग पासवान सर को बोला गया। इसके अलावा कुछ अन्य साथी हमारे हैं झारखंड से, उन्होंने अन्नपूर्णा मैम के माध्यम से कॉन्टैक्ट लगवाया था, लगभग मिलता जुलता यही जवाब उनको भी मिला है ईडी की ओर से, उनकी बात भी ईडी से ही हुई थी। तो निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर चल रही है, थोड़ा सा बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें लगातार आप लोगों का एक सवाल आ रहा है कि नया ये जो सीटें एडिशनल भेजी गई है उस पर अप्रूवल कब तक आ जाएगा। तो अप्रूवल हो सकता है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी वक्त आ गया हो, या फिर अगले 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, यानी कि इस वीक में कंफर्म आपको इस वीक में, आज ट्यूजडे है, आपको
सैटरडे तक निश्चित तौर पर आपको अप्रूवल लेटर देखने को मिल सकता है। इस वीक में कंफर्म मिल जाना चाहिए और इस मंथ के एंड तक आपको एडिशनल पैनल्स देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा और अलग अलग जहां से अच्छा खासा डिमांड है उन बोर्ड से को जरूर आपको पैनल देखने को मिलेगा और जो कुछ लोग बचेंगे उसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोसेस हैं उन सब चीज़ों पर विचार चल रहा है और कैसे करना है कब तक करना है। तो अगस्त सितंबर तक आपको सारे लोगों को इम्पैनल करना है। इस पर प्रयास भरसक आरआरसीबी की ओर से भी जारी है, तो ये ना समझें। बहुत तरह के ऑडियोज, बहुत तरह के वीडियोज, बहुत तरह के आपके लीडर आपको गुमराह करेंगे लगातार कि नहीं हो रहा है, काम रुक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो जहाँ से जीरो डिमांड है वहाँ के लिए चिंताजनक विषय ज़रूर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि काम चल रहा है। और हमने मैं जब भी बात करता हूँ किसी लीडर से तो खास करके अब जो स्थिति है उसमें अपने अपने बोर्ड को लेकर के ही बात करता हूँ, तो अपने बोर्ड को लेकर के बात करने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल करके सामने आती है जिसमें कि सारे लोगों का काम चल रहा है यह भी पता चलता है। तो उन्होंने कहा है कि दो महीने ढाई महीने में हम सारे लोगों को ले लेंगे, ये हमारा प्रयास है। तो सारे लोगों को ले लेंगे तो इसमें केवल हमारा बोर्ड नहीं आता बल्कि ओवरऑल सारा बोर्ड आता है। तो किस प्रक्रिया से लेंगे ये उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन अगले दो ढाई महीने में आपको सारे लोगों को इम्पैनल किया जा सकता है और इम्पैनल करने की पूरी संभावना भी है। इस पर आरआरसीबी सख्त है, आरआरसीबी की ओर से लगातार जोनल रेलवेज पर भी प्रेशर है। आप जोनल रेलवेज विजिट करेंगे तो आपको अधिकारियों के बर्ताव से भी पता चलेगा कि उन पर प्रेशर है। तो जो होगा बेहतर ही होगा, बस उम्मीद बनाए रखिए, सकारात्मक रहिए और अपने अपने स्तर से जो भी आपका अप्रोच हो सकता है, जो भी आप जिस भी व्यक्ति से मिल करके कोई भी छोटा सा प्रयास करवा सकते हैं तो आपको निश्चित तौर पर वो प्रयास करना चाहिए। बेहतर होगा और सुखद भविष्य होगा, इसी कामना के साथ आप सभी से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।